वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. सो लास्ट टाइम हमने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था. हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड की डिटेल्स के बारे में पढ़ा था कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं. तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम एक तो ये पढ़ेंगे कि ओवरलैपिंग जो है वो कैसे होती है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग और एक ज़ीरो ओवरलैपिंग या नो ओवरलैपिंग जिसे कहते हैं. दूसरा हम सिग्मा और पाई बॉन्ड के डिफरेंशिएशन को अंडरस्टैंड करेंगे, उनको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे. और तीसरा हम जो है बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करेंगे. तो चलिए सबसे पहले वी शिल टॉक अबाउट How will we show different types of overlapping? Overlapping की कितनी types होती हैं? तो overlap की तीन types हैं, positive overlapping, negative overlapping, zero overlapping. ठीक है, तो overlapping यानी कि atomic orbital की overlapping, यानी कि जब atoms overlap करते हैं उनकी overlapping की बात की गई है कि वो कितनी तरह से overlap करते हैं. एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है और ज़ीरो होती है. ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट पॉजिटिव ओवरलैपिंग. तो आपको डायग्राम से काफ़ी क्लियर हो जाएगा. आपको ये तो अब अच्छे से पता चल गया पिछली वीडियोस में कि जेड एक्सिस जो है मैं अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहा हूँ. तो यहाँ पे एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल दिखाया गया. तो इनकी जो ओवरलैपिंग है दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स में पॉजिटिव पॉजिटिव साइन दिखाया गया. तो ये न्यूक्लियस नहीं है, मैं आपको बार बार क्लियर करना चाहूँगा, ये वाला जो प्लस का साइन है ये न्यूक्लियस नहीं है. ये आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो हम अगर उसका साउंड वेव्स की तरह या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह ग्राफ बनाते हैं तो एक पॉजिटिव ग्राफ होता है, एक नेगेटिव ग्राफ होता है. याद होगा आपको ऐसे करके, ये ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव. तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल के पॉजिटिव साइन ओवरलैप करते हैं तो दैट इज़ अ पॉजिटिव ओवरलैपिंग. यहाँ पे एस और पी जेड के बीच में दिखाया गया. फिर अगली जो एग्जांपल दी गई है पी जेड और पी जेड की दी गई है. यहाँ लिखा नहीं हुआ, मैं लिख देता हूँ. ये पी जेड है, ये भी हमारा पी जेड एटॉमिक ऑर्बिटल है. इनके पॉजिटिव पॉजिटिव जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं तो इसे पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहा जाएगा. फिर ये जेड एक्सिस है तो इसके राइट एंगल पे पी एक्स दिखाया हुआ है. तो ये पी एक्स और पी एक्स है तो इनके भी पॉजिटिव पॉजिटिव जो साइन है वो ओवरलैप कर रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो गई. अब मैं आपको पी वाई और पी वाई के पॉजिटिव साइन की ओवरलैपिंग दिखा रहा हूँ. ऊपर अगर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव ओवरलैपिंग के अंदर ही कंसिडर करते हैं. ठीक है, ये थी आपकी पॉजिटिव ओवरलैपिंग. आगे चलते हैं नेगेटिव ओवरलैपिंग पे. नेगेटिव ओवरलैपिंग में क्या होता है कि जो दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे होते हैं एक में पॉजिटिव साइन होता है और एक की वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो नेगेटिव होता है. तो ये अगर ओवरलैप करते हैं तो इस तरह की ओवरलैपिंग को नेगेटिव ओवरलैपिंग कहा जाता है. ठीक, ऐसे ही पी एक्स और पी एक्स के बीच में दिखाया हुआ है. तो ये ऊपर वाला जो लोब है पी एक्स का उसका साइन पॉजिटिव है और जो साथ वाला एटॉमिक ऑर्बिटल पी एक्स है उसका साइन नेगेटिव है. और नीचे भी ऐसे ही है, नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि इनके जो साइन हैं वो एक जैसे ओवरलैप नहीं कर रहे हैं तो इस तरह की ओवरलैपिंग को नेगेटिव ओवरलैपिंग कहा जाता है. ऐसे ही पी वाई
और पी वाई के बीच में है, ये आप पॉजिटिव ले लीजिए, ये नेगेटिव ले लीजिए, ठीक है? तो ये नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी। अगर ऊपर पॉजिटिव रखा है तो नीचे नेगेटिव लिख दीजिए और यहाँ पे पॉजिटिव लिख दीजिए, तो ये भी जो है नेगेटिव ओवरलैपिंग है। इस तरह से नेगेटिव ओवरलैपिंग होती है। सो फार एज़ ज़ीरो ओवरलैपिंग इज़ कंसर्नड, ये कोई ओवरलैपिंग थोड़ी होती है, ये कोई एग्जिस्ट थोड़ी होते हैं, इसमें कोई मॉलिक्यूल थोड़ी बनता है। तो जो दो डिफरेंट एटम्स हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं, तो अगर वो नहीं कर पाते तो इस तरह की ओवरलैपिंग को डेफिनेटली हम क्या बोलेंगे, ज़ीरो ओवरलैपिंग बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग पी एक्स या पी वाई के साथ, पी एक्स की ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग पी वाई के साथ, ये एस है ये पी एक्स है। तो देखा जाए तो ये पॉजिटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है, पर आप देख सकते हैं कि इनके बीच में ओवरलैपिंग तो हो ही नहीं रही, ये इसकी पेरिफेरी को टच कर रहा है, ये जो पी एक्स ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल की पेरिफेरी को टच कर रहा है, ये इसके अंदर तो जा ही नहीं रहा। जैसे इसमें ओवरलैपिंग थी या पॉजिटिव में ओवरलैपिंग थी, तो ओवरलैपिंग तो हो ही नहीं रही, तो ये नो ओवरलैपिंग है। इसी तरह से जो पी एक्स है और पी वाई है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओवरलैपिंग पी एक्स के बीच में होती है, पी वाई के बीच में होती है। अगर आप पी एक्स और पी वाई को ओवरलैप कराने की कोशिश करेंगे तो देर इज़ नो ओवरलैपिंग, नो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज़ गोइंग टू टेक प्लेस, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, यू गॉट इट? तो इस तरह की ओवरलैपिंग को नो ओवरलैपिंग या ज़ीरो ओवरलैपिंग कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड के डिफरेंसेस हैं, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। पहले सिग्मा बॉन्ड में जो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती थी किसके अलोंग होती थी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होती थी। सिग्मा बॉन्ड तभी बनता है जब ओवरलैपिंग टेक प्लेस अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, हेड ऑन ओवरलैपिंग कह सकते हैं या एंड टू एंड ओवरलैपिंग कह सकते हैं। और पाई बॉन्ड तभी बनता है जब साइडवेज ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की या लेटरल ओवरलैपिंग होती है। और जो ये ऑर्बिटल होते हैं जो कि पाई बॉन्ड बनाते हैं, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के राइट एंगल पे होते हैं नॉर्मली, या स्लैंट कर सकते हैं थोड़ा सा। सिग्मा बॉन्ड तब बनता है जब एस और एस ऑर्बिटल हाफ फिल्ड, ऑफ कोर्स उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ओवरलैप करते हैं एस और पी। अब पी में पी एक्स भी हो सकता है, पी वाई भी हो सकता है, पी जेड भी। मैंने यहाँ पे पी जेड लिया है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पी जेड इज टेकन अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो ये मैं अगर यहाँ पे जेड भी लिख दूँ तो चलेगा, जेड लिख दूँ तो फिर आपको पेपर में ये लिखना पड़ेगा पी जेड इज टेकन अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और पी पी, अब पी पी का मतलब ये है कि कोई भी दो पी ऑर्बिटल नहीं ओवरलैप कर सकते, सिर्फ वही दो पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए जिनको अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लिया है। और मैंने पीछे जितनी भी वीडियोस आपको दी हैं उसमें मैंने जेड को अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लिया है, ठीक है? और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड में सेकंड डिफरेंस में ओवरलैपिंग पी पी ऑर्बिटल के बीच में होती है, और ये जो पी पी ऑर्बिटल हैं दे आर नॉट टेकन अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दीज पी ऑर्बिटल्स नॉट टेकन अलोंग द
इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। बहुत ही क्लैरिटी के साथ मैंने लिख दिया है कि पाई बॉन्ड तब बनेगा जब पीपी ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैप करेंगे और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के राइट एंगल पे होंगे, और ये पी ऑर्बिटल, इनका नाम पी एक्स हो सकता है, पी वाई हो सकता है, पर इनको इंटर पी जेड भी हो सकता है, पर वो तब पी जेड को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे नहीं लेना। मतलब जिस ऑर्बिटल को पी के जिस ऑर्बिटल को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ले लोगे वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और जिसको ऐसे करके लोगे साइडवेज, ये साइडवेज ओवरलैपिंग है और ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये सपोज करो ये जो पीस ऑफ पेपर है ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है और यहाँ पे ये हैं, ठीक है, ये साइडवेज ओवरलैपिंग कर रहे हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो साइडवेज ओवरलैपिंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के राइट एंगल पे है, तो ये पाई बॉन्ड बना सकते हैं, ये पाई बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे ओवरलैप करते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग, तो फिर कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब जो सिग्मा बॉन्ड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि इसमें जो ओवरलैपिंग होती है ना वो लार्ज एक्सटेंट में होती है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और ये मैंने ब्लैक शेड करा हुआ है, तो कितनी अच्छी ओवरलैपिंग है इनके बीच में। और अगर मैं पी वाई और पी वाई के बीच में दिखाऊं, तो देखो मुझे रेड लाइन के साथ इनको ओवरलैप करके करते हुए दिखाना पड़ रहा है, यानी इनके बीच में ओवरलैपिंग जो है बहुत लेस है। इसी तरह से पी एक्स और पी एक्स के बीच में जो ओवरलैपिंग है पाई बॉन्ड बनाने के लिए, साइडवेज ओवरलैपिंग इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती, और जो सिग्मा बॉन्डिंग होती है वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, और वहाँ पे जो ऑर्बिटल हैं ग्रेटर मैग्नीट्यूड के साथ एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, जैसे ऐसे कितनी स्ट्रांगली इन्होंने ओवरलैप किया है, जैसे ऐसे, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। आप किसी के साथ शेक हैंड कर रहे हो तो ये सिग्मा बॉन्ड है, अगर ऐसे ऐसे कर रहे हो तो ये कोई शेक हैंड अच्छा तो नहीं बना ना, ये क्या बना, पाई बॉन्ड की तरह बन गया। आई एम श्योर कि आपको ये एग्जाम्पल क्लियर होगी होगी। तो आगे चलते हैं, डिफरेंसेस को कंटिन्यू करते हैं, कि थर्ड डिफरेंस में मैंने बोला है कि जो सिग्मा बॉन्ड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ड्यू टू लार्जर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, और जो पाई बॉन्ड होता है वीक बॉन्ड होता है क्योंकि इसमें स्मॉलर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है। उसके बाद जो सिग्मा बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल होता है। नाउ द क्वेश्चन राइजेस के कैसे सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, कैसे सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्योंकि जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जस्ट एक मिनट मैं आपको ये फिगर निकाल के दिखा दूँ, यही देख लेते हैं, यही देख लेते हैं, ये फिगर देखिए, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड बना रहे जा रहे हैं ऑक्सीजन में, और मैंने रेड कलर से सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, तो कितनी अच्छी ओवरलैपिंग है इनके बीच में। और पाई बॉन्ड के बीच में साइडवेज ओवरलैपिंग जो है दैट इज़ नॉट गुड इनफ। अब जो मैंने जो डिफरेंस पढ़ाना है वो ये है कि जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना सिमेट्रिकल है, ये अपनी जगह पे है, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा, मतलब यहाँ है तो यहाँ ही है। पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई बॉन्ड में हमने एक पाई ऊपर लिखा एक नीचे, जबकि पाई बॉन्ड दोनों को एक ही माना जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड जब बनता है तो पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड कभी ऊपर चला जाता है कभी नीचे चला जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिग्मा के ऊपर भी होता है सिग्मा के नीचे भी होता है। यानी अगर ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होगा तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के नीचे भी पाई बॉन्ड है
ऊपर भी पाई बॉन्ड है लेकिन ये एक ही माना जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड दो हैं तो फिर इसको सिमेट्रिकल तो नहीं ना माना जाएगा। मतलब हम कहें कि एक चीज़ है पाए, कभी ये ऊपर चली जाती है कभी नीचे चली जाती है। लाइक एक स्टूडेंट है, उसको सब स्टूडेंट्स को क्लास में रोल नंबर फिक्स किए हुए हैं और उनकी चेयर्स के ऊपर रोल नंबर लिखा हुआ है, तो वो अपनी चेयर्स पे ही आके बैठते हैं, सिमेट्रिकल रहते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम टीचर को क्रिएट नहीं करते। पर क्लास में कुछ खाली कुर्सियाँ भी हैं, तो एक बच्चा है जिसका नाम पाए है, वो कभी किसी कुर्सी पे, उसका हालांकि उसका भी रोल नंबर लिखा हुआ है लेकिन कभी वो किसी कुर्सी पे चला जाता है कभी किसी कुर्सी पे, चार पांच कुर्सियाँ खाली हैं, तो ऐसे वो अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है। ऐसे पाई बॉन्ड जो है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है, यानी कि ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल है। मैंने पूरी ट्राई की है कि आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब समझ लग जाए। ठीक है, अब मैं ये पेज नीचे लगा लूँ जरा। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था कि जो सिग्मा बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ही सिमेट्रिकल है, और जो पाई बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड अनसिमेट्रिकल है। ये देखिए, ये दो न्यूक्लियस हैं गोल गोल काले काले, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो डॉटेड लाइन है, कितनी बार बता दी कि ये क्या होती है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पाए का, नीचे भी है, पता नहीं कभी ऊपर चला जाता कभी नीचे चला जाता है। तो जब कभी ऊपर चला जाता कभी नीचे चला जाता है, तो आप उसे सिमेट्रिकल तो नहीं कह सकते, यू कांट से कि इट्स अ सिमेट्रिकल एट ऑल। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। ओके, फिफ्थ डिफरेंस है कि सिग्मा बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और जो पाई बॉन्ड है उसमें दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, एक अबव द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सिक्स्थ, सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन अराउंड द सिग्मा बॉन्ड या अबाउट द सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, और जो आपका पाई बॉन्ड है इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको रोटेट करने की कोशिश करोगे तो पाई बॉन्ड जो है टूट जाएगा। ये मैं आपको इस फिगर की हेल्प से बताता हूँ। ये सिग्मा बॉन्ड है, तो ये पीजेड और पीजेड ऑर्बिटल है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये मेरे पीजेड पीजेड ऑर्बिटल हैं। तो अगर ये ऐसे रोटेशन शो करते हैं तो इनकी जो ओवरलैपिंग है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा और सिग्मा बॉन्ड टूटेगा नहीं। सो फ्री रोटेशन अबाउट द सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, फ्री रोटेशन अबाउट द सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, राइट। और मैंने डिफरेंस में बताया कि पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। पहले इस डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। ये पी एक्स और पी एक्स ने पाई बॉन्ड बनाया हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो आपको नहीं लगता कि ये और ये टूट जाएगा, और अगर मैं पी वाई को भी करूंगा ऐसे रोटेट कर दूं तो पी वाई बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। इसका मतलब पी बॉन्ड वीकर बॉन्ड है और जो पाई बॉन्ड जो है सॉरी वीकर बॉन्ड है, और जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन अबाउट द सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड। एंड इन केस ऑफ पाई बॉन्ड फ्री रोटेशन अबाउट द पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल,
because if you try to do that, pi bond will break. Got it? देखिए slowly and gradually करने से जो केमिस्ट्री के आगे वाले कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ही क्लियर होंगे, क्योंकि पता नहीं मैंने पूरी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिग्मा और पाई बॉन्ड का इस्तेमाल या इस वर्ड को, इस टर्मिनोलॉजी को 100 बार करना होगा, शायद इससे भी ज़्यादा. तो आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में अच्छे से पता ही होना चाहिए. तो आप लास्ट 2-3 वीडियोस में सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में ही पढ़ते जा रहे हैं, है ना? ठीक है, तो आई एम वेरी श्योर कि आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में अच्छे से पता चल गया. मैं एक छोटा सा टॉपिक जो सिग्मा और पाई बॉन्ड से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मैं ये करवाना चाहता हूँ. एक छोटा सा टॉपिक है बॉन्ड लेंथ, ठीक है? तो ये मैं आपको करवाता हूँ. तो बॉन्ड लेंथ में हमने पहले इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है. तो बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन पढ़ते हैं. इज़ डिफाइंड एज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम एंड मॉलिक्यूल. ये दो एटम हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है. ये इनके न्यूक्लियाई हैं. तो न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस है, ए के और बी एटम के न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस है, उसे बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है? तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस ऑफ ए हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर तक रेडियस ऑफ बी हो गया. सो बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी. तो बॉन्ड लेंथ को मेज़र करने के लिए हमारे पास कई यूनिट्स हैं. ऑंगस्ट्रॉम है, मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर. एक ऑंगस्ट्रॉम 10^-10 मीटर. 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर. 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10^-12 मीटर. तो जो बॉन्ड लेंथ है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि साइज ऑफ एटम पे. तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी HBr की बॉन्ड लेंथ को कंपेयर किया है. यहाँ पे जो BL लिखा हुआ है इसका मतलब बॉन्ड लेंथ है, ठीक है? यहाँ पे जो BL लिखा है, ये जो BL लिखा है इसका मतलब बॉन्ड लेंथ है. तो हाइड्रोजन एटम का साइज़ तो कांस्टेंट रहेगा, तो ब्रोमीन का साइज़ क्लोरीन के कंपैरेटिवली बड़ा होता है. तो आप खुद सोचिए कि H और Cl तक जाएंगे तो डिस्टेंस कम होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा, यानी बॉन्ड लेंथ कम होगी. H और Br तक जाएंगे, Br का साइज़ बड़ा है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ भी बड़ी हो जाएगी. इसका मतलब कि जो बॉन्ड लेंथ है वो एटम के साइज़ पे डिपेंड करता है. अगर एटम का साइज़ छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, अगर एटम का साइज़ बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी. तो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ हैलोजन एसिड्स की. हाइड्रोजन आयोडाइड की बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड से ज़्यादा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बॉन्ड लेंथ HCl से ज़्यादा है, HCl की बॉन्ड लेंथ HF से ज़्यादा है. देखिए इसमें जो H है, सब में H है, उसका साइज़ तो कॉन्स्टेंट रहेगा. तो सो फार एज आयोडीन इट इज़ वेरी बिग इन साइज, ब्रोमीन इज़ कंपेरेटिवली स्मॉलर, क्लोरीन इज़ स्टिल स्मॉलर, फ्लोरीन इज़ वेरी स्मॉल. तो ऑब्वियसली अगर फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा है और आयोडीन का सबसे बड़ा है तो HI की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी. BR का साइज़ IS से छोटा है तो बॉन्ड लेंथ थोड़ी और कम होगी. CL का साइज़ BR से छोटा है तो बॉन्ड लेंथ और कम होगी, और फ्लोरीन का साइज़ H से छोटा है तो बॉन्ड लेंथ और भी कम हो गई. आई एम श्योर कि आपको पता चल गया होगा कि बॉन्ड लेंथ जो है साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करती है. दूसरी चीज़ मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड है. अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाती है, अगर डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाती है, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ और भी इंक्रीज कर जाती है. इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे ये CH3 है तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड.
तो सिग्मा बॉन्ड में साइडवेज ओवरलैपिंग तो होती नहीं है, सॉरी सिग्मा बॉन्ड में साइडवेज ओवरलैपिंग तो होती नहीं है, इनकी ओवरलैपिंग जो है वो होती है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, तो नेचुरली जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी। डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होगा और दूसरा बॉन्ड जो है वो पाई होगा, तो पाई बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड के अलावा पाई बॉन्ड जो बनता है वो साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से जैसे ये दो थम्स हैं, अंगूठे हैं, ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, तो अब इन्होंने पाई बॉन्ड बनाना है, पाई बॉन्ड बनाना है, तो ये अंगूठे थोड़े एक दूसरे के पास आएंगे, फिर ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, तो आपको नहीं लगता कि जो नीचे अंगूठे थम्स हैं वो एक दूसरे के काफ़ी पास आ गए हैं, तो बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। और ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड हैं, मैंने आपको बताया था कि जो पाई बॉन्ड है ऊपर और नीचे लिख सकते हैं, और सिग्मा बॉन्ड को हमेशा बीच में लिखना होता है अगर एक से ज़्यादा बॉन्ड हो, अगर एक ही बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड लिखना है, अगर दो बॉन्ड है तो एक को नीचे वाले को सिग्मा, ऊपर वाले को पाए, अगर तीन ट्रिपल बॉन्ड है तो बीच वाले को सिग्मा, ऊपर और नीचे वाले को पाए लिखना है, ठीक, गॉट इट। तो ये मल्टीप्लिसिटी मतलब के बॉन्ड का नंबर कितना है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ग्रेटर द नंबर ऑफ बॉन्ड स्मॉलर इज द बॉन्ड लेंथ, यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी 3 है तो बॉन्ड लेंथ 120 पिकोमीटर है, यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी 2 है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर गई है, यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी से सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ और भी क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया। तो आज के टॉपिक में लास्ट में बॉन्ड लेंथ के बारे में बताना चाहता हूँ कि बॉन्ड लेंथ हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है। हाइब्रिडाइजेशन तो चलो 10 दिन का टॉपिक है तो इसको मैं कुछ और तरीके से कराऊंगा कि एस ऑर्बिटल करेक्टर, ये सी और एच के बीच में बॉन्ड है, ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, यानी इसमें एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल ने इंटरमिक्सिंग हुई है, तो इसमें एक s है एक p है, तो s का परसेंटेज कितना है, 50% है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ 107 पिकोमीटर है। आगे CH फिर से दिखाया है, उस पे कार्बन पे लिखा है sp2, यानी इसमें एक s ऑर्बिटल और दो पी ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं। मैंने कहा हम हाइब्रिडाइजेशन आगे चल के पढ़ेंगे जो कि 10 दिन का टॉपिक है, तो इसमें एक एस और दो पी ऑर्बिटल, तो एस की परसेंटेज निकालोगे तो 33.3% निकलेगी, परसेंटेज निकाल लोगे ना, टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, तीन, एक एस का दो पी के, तीन हो गए, एस का एक है, 1/3 × 100, तो एस की परसेंटेज कितनी निकल गई, 33.3%। तो बॉन्ड लेंथ जो है sp2 में कितनी हो गई, 110.3 पिकोमीटर। तो जैसे जैसे s का करेक्टर डिक्रीज करेगा, यहाँ पे आगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s का करेक्टर 25% रह गया, बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज करेगी, इसका मतलब ग्रेटर द s करेक्टर स्मॉलर इज द बॉन्ड लेंथ, ठीक है। आपने इसको बस इतना ही अभी पढ़ना है, सो फॉर नहीं, सारे को नहीं, सिर्फ थर्ड पॉइंट को, ये मैं स्टार लगा रहा हूँ, इसको सिर्फ अभी इतना ही पढ़ना है, नहीं तो फिर नोट्स इनकम्प्लीट हो जाते हैं ना, पर मैंने एस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा दिया। तो हाइब्रिडाइजेशन एक sp होती है, एक sp2 होती है, एक sp3 होती है, इसके अलावा sp3d, sp3d2, sp3d3 भी होती है, ठीक है, पर यहाँ पे तीन दिखाई हुई हैं, एक sp, एक sp2, एक sp3। तो sp में एक s और एक p इंटरमिक्स करता है और s की जो परसेंटेज है 50% है, sp2 में s की परसेंटेज 33% है, sp3 में s की परसेंटेज 25% है। जितना ज़्यादा s का परसेंटेज होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी, और जितना कम एस का करेक्टर होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आज के दिन के लिए मैं आपको इतना ही करवाना चाहूँगा,
आई एम वेरी श्योर द लेक्चर इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू. थैंक यू वेरी मच. वी कॉल इट अ डे. लव यू ऑल.